केंद्र सरकार ने साल 2019 में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात नियमों को दुरुस्त करने के लिए चालान की राशि बढ़ा दी। मोटर व्हीकल एक्ट में हुए बदलाव की चर्चा पूरे देश में काफी जोर शोर से हुई। इसके लिए सरकार को काफी विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन सरकार ने नियमों में की गई सख्ती को कम करने से साफ इनकार कर दिया और अब केंद्र सरकार यातायात और परिवहन संबंधी नियमों के तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने की जमा करने की समय सीमा को 60 दिन तय करने जा रही है। इसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राफ्ट रूल्स जारी कर दिए हैं। इन ड्राफ्ट रूल्स में कहा गया है कि अगर तय समय सीमा के भीतर वाहन का चालान जमा नहीं किया जाता है तो यातायात पुलिस या वाहन विभाग संबंधित लाइसेंस या वाहन से जुड़े कई काम नहीं करेंगे, लेकिन परिवहन प्राधिकरण को ऐसे वाहनों की परमिट, फिटनेस और टैक्स संबंधी काम को करने की अनुमति होगी। इसका मतलब ये है कि अगर किसी वाहन का चालान समय सीमा के अंदर जमा नहीं हुआ तो उसके रजिस्ट्रेशन संबंधी कोई काम नहीं हो पाएंगे। इसके साथ ही लाइसेंस संबंधी कार्यों पर भी रोक रहेगी। आपको बता दें कि नए ड्राफ्ट में 6 नियम ऐसे बनाए गए हैं जिनके उल्लंघन पर परिवहन अधिकारी संबंधित कागजात जब्त कर सकेंगे। खराब वाहन से सार्वजनिक स्थान पर हादसा, खराब वाहन से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले वाहन की ड्राइविंग, वायु प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन, ध्वनि प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन, बिना इंश्योरेंस या एक्सपायर इंश्योरेंस वाले वाहन के साथ ड्राइविंग। एक रिपोर्ट के अनुसार परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि समय सीमा तय करने का मकसद ये है कि बहुत सारे चालान महीनों और सालों तक अटके रहते हैं, उसमें वाहनों और ड्राइवर के चालान शामिल होते हैं। अधिकारियों का कहना है जब पूरा सिस्टम आईटी पर आधारित हो जाएगा तो लोगों और प्राधिकरणों के लिए ऐसे मामलों को निपटाने के लिए अनिश्चित काल की समय सीमा खत्म हो जाएगी। सरकार सड़कों पर सुरक्षित यातायात को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार की कोशिशें हैं कि सड़क हादसों में कमी आए और सड़कें सुरक्षित बनें।